हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली बार वीडियो में क्वेश्चन नंबर 105 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दे रखा है? 4x माइनस 1/3x बराबर है 12 के, 9x स्केयर प्लस 1y 16x स्केयर की वैल्यू आपको करने हैं, याद करने हैं। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू क्या है, नीचे दी गई है। पहले आप इसे सही करेंगे, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, नीचे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3/4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप पूरी इक्वेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका, 3x, और यहाँ -1/4x, और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/4, 4 3 12 और 3 3 9, यानी यहाँ से आपकी इक्वेशन बनकर आ गई 3x -1/4x बराबर 9 के। वैल्यू याद करनी है हमें 9x स्केयर प्लस 1y 16x स्केयर की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये a माइनस बी है और ये a प्लस ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर है, सॉरी दोस्तों, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। इधर बड़ा माइनस 2ab आएगा जो इधर जाकर क्या होगा, प्लस का होगा, यानी इसमें दोनों साइड हम होल स्केयर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 9x स्केयर माइनस 1y 16x स्केयर बराबर होगा 81 के। जो इधर माइनस का 2ab आएगा वो इधर जाकर क्या होगा, प्लस का 2ab, 2 into a क्या है आपका 3x और b क्या है 1/4x। यहाँ से आप x से x कैंसिल करेंगे, 2 से 4 कैंसिल करेंगे, आएगा 2, यानी 81 सही 3/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 82 सही 1/2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है x माइनस 1/9x बराबर है 4 के, और 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ से क्या रहा है 9x स्क्वायर, यानी यहाँ क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3x, तो यहाँ पर क्या है 9x। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81x स्क्वायर। परंतु हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ क्या आएगा 3x, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9, यानी 1/3x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12, यानी इसको हम लिख देते हैं 3x। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, यानी 1/3x बराबर किसके हो जाएगा 12 के, और ये क्या है a और b दोनों सेम है, माइनस बड़ा है, स्केयर कर दो जोड़ देंगे, यानी 12 का स्केयर 144 और 146, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने आपको बताया था अगर ए और बी दोनों कॉमन हो और माइनस बड़ा दिया हो, होल स्केयर करना हो तो दी गई संख्या का होल स्केयर कर उसमें प्लस का 2 करना है सिर्फ। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है 5x माइनस 1/5x बराबर है आपका 3 के, और वैल्यू याद करनी है 625x स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर के। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि नीचे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ हुआ है कि इस पूरी इक्वेशन को क्या किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे x बचेगा,
और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। यानी यहाँ से इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया। पहले तो इस इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 25x-1y x, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 5 15। अब क्या किया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके जो इधर माइनस का 2ab आएगा वो इधर जाकर क्या होगा, प्लस का। इसीलिए हम सीधा ही कर देते हैं यहाँ से शॉर्टकट, क्योंकि इसका स्क्वायर कर प्लस 2ab कर देते हैं, क्योंकि होना तो इधर आकर प्लस का ही है। यानी 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस का 2ab, 2 × a क्या है आपका 25x और b क्या है 1y x, x से x कैंसिल, 25 × 50 यानी 225 और 50 कितना हो गया 275। इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दे रखा है, x माइनस 1y x प्लस 3 बराबर किसके हैं 8 के, और वैल्यू क्या किसकी करनी है आपको, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1y x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, परंतु यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर सीधा x है, अगर हम दोनों साइड 3 प्लस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम अगर गुणा करना हो तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों तरफ गुणा करेंगे, और अगर प्लस करना हो तो एक तरफ करेंगे, और मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों के साथ करेंगे। यानी प्लस करना है तो यहाँ से क्या होगा आपका एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1y x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 3 11। यानी दोनों साइड हमने 3 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ से क्या है अब सीधा स्केयर है। और ये कैसे है, यानी a माइनस बी का होल स्केयर है। तो हमने आपको बताया था अगर a और b दोनों कॉमन हो तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्या का स्केयर कर उसमें 2 जोड़ देंगे। यानी 11 का स्केयर होता है 121, और इसमें माइनस 2ab आएगा जो इधर जाकर क्या होगा प्लस का 2ab, और a और b से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 2 होगा। यानी 11 का स्केयर 121 और 2 123, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है 10x-5/3x बराबर है आपका 30 के, और वैल्यू याद करनी है आपको 45x² + 5/4x² + 1। अगर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा हो पहली इक्वेशन में क्या है, सभी में 5 कॉमन है, यानी 5 कॉमन लेकर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और अगर पूरी इक्वेशन को भी 5 से डिवाइड कर दें तो भी वही बात होगी। यानी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 1/3x, और यहाँ क्या बचेगा 6, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने किया 5 से डिवाइड। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि 2 से क्या बन सकता है 4x², और 3 से क्या बन सकता है 9, और इसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी यहाँ 1 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आए 5 आएगा यहाँ पे, तो 9 5 45। यानी a को b की जगह रख दिया और b को a की जगह, यानी a और b ऊपर नीचे हो गया। तो आप पहले क्या करेंगे, a और b को सही करेंगे। सही करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुणा, ऊपर वाले को नीचे से भाग, यानी 3/2 से पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सही बन जाएगी। अगर पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 3x, और नीचे क्या आएगा 1/2x, और अगर 6 को 3/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 6 यानी 3 × 9। अब क्या क्या है, इसका स्केयर किया है, यानी तो होल स्केयर किया है, तो होल स्केयर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आपकी 9x² + 1y
फोर एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2ab, यानी हमारा इतना आ गया। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 81 गुणा 2 गुणा a क्या है 3x और b क्या है 1/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से आया आपका 81, सॉरी दोस्तों ये क्या है प्लस 2ab है, 81 और 3 कितना हो गया 84। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू आ गई है आपकी 84। परंतु वैल्यू याद करने हैं 45x² प्लस 5/4x² प्लस 1, यानी इस 84 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। और जो किसकी वैल्यू आएगी आपकी, यानी 9×45x² प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4x² प्लस 1 की वैल्यू हमें याद करनी है। तो यहाँ से 84 गुणा 5 प्लस 1 यानी 4×5=20 और 8×5=40 और 2=42, 420 और 1=21, यानी 421 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में हमें क्या दे रखा है, पच्चीस एक्स क्यूब माइनस 5/4x³ बराबर में दिया है आपका 50 और वैल्यू याद करनी है हमें 48x⁶ प्लस 3/25x⁶ प्लस 1। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से कि ये क्या है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और पहले इसमें क्या है इस पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है, तो पहले हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं, तो मैं इसे जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। यानी इस इक्वेशन को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा 5x³ माइनस 1/4x³ बराबर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 10, और ये ऊपर नीचे है तो इसको सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, यानी ऊपर ले जाना है हमें 4x³ प्लस 1/5x³, सॉरी दोस्तों ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और अगर पूरी क्वेश्चन को 4/5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 4/5 करेंगे तो 5×2=10 यानी 8, यानी ये इसका क्या है स्केयर है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 16x⁶ प्लस 1/25x⁶ और 8 का स्केयर क्या हो जाएगा यहाँ से 64 प्लस 2ab 2×4x³ गुणा 1/5x³ x³ कैंसिल, और यहाँ से आया 64 प्लस 8/5 यानी 64 प्लस 8/5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65 सही, यानी 65 प्लस 3/5। और इसके पश्चात हमारी वैल्यू याद करनी है 48x⁶ यानी 16×3 48 और 3, और यानी 65 को 3 से मल्टीप्लाई कर अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से यानी 3×5=15 और 6×3=18 और 1=19, और इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं 3×3=9 9/5 प्लस 1 करना है, तो यहाँ से 5×5 बचा क्या 4, और इसे करेंगे हम 196 सही 4/5 और प्लस क्या करना है हमें 1 करना है,
यहाँ से हो जाएगा आपका 197 सही 4/5। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन वाई एक्स बराबर है 2 के, और एक्स की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी ये क्या दिया गया है, स्केयर का स्केयर दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले इसका स्केयर करेंगे, तो x माइनस वन वाई एक्स का स्केयर करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर माइनस का 2ab बराबर होगा 4k, और a और b बराबर है तो यहाँ से कैंसिल होगा। यानी a को लिख सकते हैं x और b को लिख सकते हैं वन वाई एक्स, तो x से x कैंसिल, और ये दो माइनस का इधर जाकर क्या होगा प्लस का, यानी एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई आपकी 6। और वैल्यू याद किसकी करनी है आपको, एक्स की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4, यानी इसका आप क्या करेंगे फिर से स्केयर करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्केयर। यहाँ से आएगा x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू क्या होगा x की स्केयर गुणा वन वाई एक्स की स्केयर 6 का 36, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसल, और ये प्लस का 2 इधर जाकर क्या होगा माइनस का, यानी x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा 34 के। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। सॉल्ट कैसे करना है इसे, यानी अगर आपको पावर 1 से 4 पर जाना है, यानी ये कितने गुना है 4 गुना। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पावर क्या है 4 है, तो पहले तो माइनस से प्लस पर जाना है, तो प्लस करेंगे, यानी 2 का स्केयर 4 और 2 6, और प्लस से प्लस पर जाना हो तब क्या करते हैं माइनस, यानी 6 का स्केयर 36 माइनस 2 34। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दे रखा है, x माइनस वन वाई एक्स बराबर है आपका 3k, और x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यानी ये क्या है आपका, a और b दोनों कॉमन है तो कैंसिल होगा। यानी यहाँ से आपको क्या करना है, स्केयर करके पहले तो 2 जोड़ना है, यानी 3 का स्केयर 9 और 2 11, और फिर क्या करना है, स्केयर कर प्लस वाले पे जा रहे हैं, यानी पहले माइनस वाले से प्लस वाले पे आए, फिर प्लस वाले से प्लस वाले पे, तो 11 का स्केयर 121, और प्लस माइनस 2 कर देंगे तो क्या होगा 119। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पहले हमने आपको बताया है कि पावर 4 पर जाने के लिए क्वेश्चन नंबर 112 में अच्छी तरह बताया है कि पहले आप स्केयर होल स्केयर करेंगे a माइनस b का, फिर a प्लस b आएगा उसका होल स्केयर करेंगे, माइनस वाले से प्लस वाले पर जाते हैं तो करते हैं प्लस 2, और माइनस वाले से प्लस वाले पर जाते हैं तो प्लस 2, और प्लस वाले से प्लस वाले पर जाते हैं तो करते हैं माइनस 2ab, और a और b तो दोनों में इसमें कॉमन है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दे रखा है, x की पावर 5 माइनस वन वाई एक्स की पावर 5 किसके बराबर है अंडर रूट 5 के। वैल्यू याद करनी है आपको x की पावर 20 प्लस वन वाई एक्स की पावर 20 की। यानी यहाँ से क्या होगा आपका, ये क्या है पावर 4, यानी 4 गुणा और ये तो पावर 4 है, पहले हम स्केयर करेंगे अंडर रूट 5 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 7, और फिर इसका होल स्केयर कर हम क्या करेंगे, उसमें से प्लस वाले पे जाएंगे 2 माइनस करेंगे, 7 का स्केयर 49 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 47। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा।
अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 114 की जगह हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 115, क्योंकि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 115। और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर है अंडर रूट 3 के, और वैल्यू याद करनी है एक्स की पावर 8 प्लस वन वाई एक्स की पावर 8, क्योंकि यहाँ से क्या है 4 गुणा है यानी पावर 4 है। तो पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो आपका 3 आएगा, और 3 में आप क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 5, और 5 का फिर करेंगे स्क्वायर तो आएगा 25, 25 में से 2 घटा देंगे तो आपका 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 23। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर 7 माइनस वन वाई एक्स की पावर 7 बराबर है अंडर रूट 6 के, एक्स की पावर 28 प्लस वन वाई एक्स की पावर 28 की वैल्यू हमें क्या करनी है याद करनी है यहाँ से, यानी ये क्या है पावर 4 गुना है यानी 7 चौक 28। अगर आपको पावर 2 गुना दिखाई दे तो स्क्वायर, 3 गुना दिखाई दे तो क्यूब, 4 गुना दिखाई दे तो पावर 4। पहले आपके इस क्वेश्चन को फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कंप्लीट को कैसे करते हैं, यानी यहाँ से क्या करेंगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो करेंगे तो x की पावर 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन वाई एक्स की पावर 14 माइनस टू ए बी, टू इंटू क्या करेंगे ए एक्स की पावर 7 गुणा वन वाई एक्स की पावर 7, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 7 कैंसिल होगा, यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी आ गई एक्स की पावर 14 प्लस वन वाई एक्स की पावर 14 किसके बराबर है 6, और 2 यहाँ से क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ये माइनस का इधर जाकर प्लस का होगा। फिर आपको वैल्यू याद करनी है एक्स की पावर 28 प्लस वन वाई एक्स की पावर 28, तो आप क्या करेंगे होल स्क्वायर, हमने यहाँ पर भी क्या किया था होल स्क्वायर दोनों साइड, यहाँ से बना था आपका a माइनस बी का और यहाँ से बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x की पावर 28 गुणा वन वाई एक्स की पावर 28। अगर आपको ध्यान यानी यहाँ से पता ना लग रहा हो कि x की पावर 14 का स्क्वायर कैसे होगा, यानी 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर होता है, 3 गुणा 3 किसका 3 का स्क्वायर, इसी तरह आपका क्या होगा x की पावर 14 गुणा x की पावर 14 यानी बेस मान है गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ से बढ़े एक्स की पावर 28। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, और इसके पश्चात क्या होगा यहाँ से आपका, यानी यहाँ से क्या बनेगा आपका प्लस का 2ab, जो इधर जाकर क्या होगा आपका माइनस का 2ab, तो हम सीधा ही माइनस का 2ab कर देते हैं, और अगर नहीं करना तो भी आप कर सकते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू ए क्या है एक्स की पावर 14 गुणा 1 वाई एक्स की पावर 14, एक्स की पावर 14 से एक्स की पावर 14, 64 में से 2 जाएगा तो 62। हम सॉल्व करते तो कैसे करते, यहाँ से एक्स माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 1 वाई एक्स की पावर 7 दिया है, और यहाँ से अंडर रूट 6 दिया है, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर हम करते तो 6, 6 में 2 जोड़ते तो आता हमारा 8, और फिर 8 का स्क्वायर 64 और 2 उठा देते 62। इस क्वेश्चन का आपका क्या था राइट आंसर आ जाता। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर 15 माइनस वन वाई एक्स की पावर 15 किसके बराबर है अंडर रूट 7 के, एक्स की पावर 60 प्लस वन वाई एक्स की पावर 60 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से
तो ये क्या है, चार गुना है, यानी पावर चार गुना है तो पावर चार है। तो यहाँ से आप सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट सात का स्क्वेयर प्लस दो, सात रूट सात का स्क्वेयर क्या होगा, सात, सात और दो क्या आएगा, नौ। फिर करेंगे नौ का स्क्वेयर, 81 में से दो उठा देंगे तो क्या आएगा, 79, यानी 79 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 118 में दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस वन वाई अंडर रूट एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट 10 के। और यहाँ से वैल्यू याद करनी है एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर की, यानी अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ तो ये पावर चार है, क्योंकि पावर दो करेंगे तो एक्स प्लस वन वाई एक्स आएगा, और फिर पावर दो करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 10 का स्केयर, माइनस से प्लस पर जाना है तो आप क्या करेंगे, प्लस का 2, यानी 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, और फिर प्लस से प्लस पर जाना है यानी पावर 2 से पावर 4 पर जाना है तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वन वाई एक्स से एक्स स्केयर प्लस वन वाई एक्स स्केयर से जाना है, तो 12 का स्केयर 144, और 144 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 142। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3/2 माइनस वन वाई एक्स की पावर 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर दिया है आपको अंडर रूट 11, एक्स की पावर 6 प्लस वन वाई एक्स की पावर 6 पूछा है। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है, पावर 4 है। पावर 4 कैसे है, अगर 3/2 को आप गुणा में 4 करेंगे, 2 × 4 और 2 × 6 यानी पावर 6 बनेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट 11 का स्केयर प्लस 2, यानी अंडर रूट 11 का स्केयर क्या होता है 11, 11 और 2 13, और फिर 13 का स्केयर 169, और 169 में से आप क्या कर देंगे 2 घटा देंगे तो 167। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 120 में दे रखा है एक्स की पावर 5/4 माइनस वन वाई एक्स की पावर 5/4 बराबर है अंडर रूट 13 के। वैल्यू याद करनी है एक्स की पावर 5 प्लस वन वाई एक्स की पावर 5 की। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो एक्स की पावर 5 बन जाएगा जो कि पूछा गया है, यानी ये पावर 4 का क्वेश्चन है, और 4 में हम क्या करते हैं अंडर रूट 13 का स्क्वेयर और 2, यानी 13 और 2 15, और प्लस से प्लस पर जाना है तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आई आपकी एक्स की पावर 5/2 प्लस वन वाई एक्स की पावर 5/2, हमें जाना किस पर है पावर 5 पर, तो 15 का स्क्वेयर माइनस 2, 15 का स्क्वेयर 225, और 225 में से 2 चला जाएगा 223। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन वाई एक्स स्क्वेयर बराबर है आपका अंडर रूट 13 के, एक्स माइनस वन वाई एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है याद करनी है, यानी अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से जाते हैं हम, यानी एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन वाई एक्स से एक्स स्क्वेयर प्लस वन वाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू याद करनी है, तो हम क्या करते हैं इधर दो जोड़ते हैं, तो इधर क्या करेंगे, इधर दो उठाकर इसका क्या कर देंगे स्क्वेयर रूट कर देंगे। यहाँ से ये कैसे होगा, यहाँ से एक फार्मूला लगता है आपका, यानी a माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये स्केयर इधर जाकर क्या होगा स्क्वेयर रूट, यानी a माइनस बी की वैल्यू हमें याद करनी है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आपको दे रखी है, माइनस 2 कर आप उसका क्या कर देंगे स्क्वेयर रूट कर देंगे,
यानी माइनस टू ए भी करना है, ए और बी हमारा क्या है कॉमन है, तो ए और बी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका सीधा क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 है। यानी कैसे, ए माइनस बी की वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ से वैल्यू याद करनी है आपको एक्स माइनस वन वाई एक्स की, एक्स स्क्र प्लस वन वाई एक्स स्क्र लिखेंगे तो कितना है 13, माइनस टू ए बी यानी टू इंटू ए क्या है एक्स स्क्र और बी क्या है वन वाई एक्स स्क्र का क्या कर देंगे स्क्र रूट, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल और ये वैल्यू किसकी आएगी एक्स माइनस वन वाई एक्स, 11 13 में से 2 चला जाएगा तो 11 यानी अंडर रूट 11 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्र प्लस वन वाई एक्स स्क्र बराबर है 6 के, एक्स माइनस वन वाई एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है याद करनी है, यानी ए और बी दोनों कॉमन हो तो आप क्या करेंगे दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 6 में से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा 4, यानी स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्र प्लस वन वाई एक्स स्क्र बराबर है 11 की, वैल्यू याद करनी है एक्स माइनस वन वाई एक्स की, यानी माइनस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे माइनस करेंगे और माइनस टू कर उसका स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर माइनस पर जाना हो तो माइनस और प्लस पर जाना हो तो प्लस, यानी 11 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 9 जो कि स्क्वायर बराबर होता है 3। अगर x प्लस वन वाई एक्स की वैल्यू याद करनी होती तो हम क्या करते हैं प्लस पर जाने के लिए प्लस 2 यानी 11 और 2 13 अंडर रूट 13, और माइनस पर जाने के लिए माइनस और प्लस पर जाने के लिए प्लस। और यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 पर, एक्स स्क्र प्लस वन वाई एक्स स्क्र बराबर है आपका 123 के, वैल्यू याद करनी है हमें एक्स माइनस वन वाई एक्स की, तो आप क्या करें माइनस पे जाने के लिए और छोटी पावर पे जाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें से 2 उठाकर उसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट 121 जो कि किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट 121 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं, x की पावर 4 प्लस वन वाई एक्स की पावर 4 किसके बराबर है 83 के, और यहाँ से वैल्यू याद करनी है हमें एक्स स्क्र माइनस वन वाई एक्स स्क्र की, यानी पावर आधी पे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे दी गई संख्या में से 2 घटाकर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर रूट 81 आपका क्या होगा राइट आंसर। अगर हमें चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, यानी पावर 4 पर जाना है एक्स स्क्र माइनस वन वाई एक्स स्क्र की वैल्यू है 81, इसका स्क्वायर कर प्लस पर जाना है तो प्लस 2 करेंगे, यानी अंडर रूट 81 का स्क्वायर 81 और 2 83 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, यानी अंडर रूट 81 किसके बराबर होता है 9 के, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 9। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना शेयर करना और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।